नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, 18 दिसंबर 2018 को यूजीसी नेट की एग्जाम है। क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं? आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या आप तैयार हैं? और 18 दिसंबर को 9:30 बजे जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और आपके हाथ में कीबोर्ड होगा, सामने कंप्यूटर में प्रश्न होगा, तो क्या आपसे 100% प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, या फिर आप वही करेंगे जो इसके पहले 8 जुलाई 2018 को किए थे? यानी कि आप तुक्का मारने का तो नहीं सोच रहे हैं? तुक्का? साथियों, यदि ऐसा सोच रहे हैं तो आप यूजीसी नेट को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, बल्कि आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। तुक्का मारना है मुझे, बस बैठ जाना है मुझे, बस जितना आता है उतने बना देना है मुझे, और कंप्यूटर में यूट्यूब में आपने सर्च किया होगा तुक्का मारने का तरीका क्या है। साथियों, जो एफर्ट करने से भागते हैं, जो एफर्ट नहीं करते हैं या करना नहीं चाहते हैं, वही व्यक्ति तुक्का मारता है, वही व्यक्ति। और जो एफर्ट करता है, जो मेहनत करता है, जो अपने आप पर भरोसा करता है, वही व्यक्ति जो है तुक्का नहीं मारता है, बल्कि वो मेहनत के बदौलत अपने मंजिल को पाना चाहता है। मैं जो आपसे कह रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास में एक प्रश्न है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यदि 2 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है तो ठीक है, लेकिन एक प्रश्न के 4 ऑप्शन आपको नहीं पता है और आंख बंद करके ए बी सी डी में से कोई भी एक को चयन करते हो, तो इसको बोलते हैं तुक्का मारना। कभी सही नहीं हो सकता, याद रखना। आप थोड़ा सा क्वेश्चंस को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। आप थोड़ा सा एफर्ट करिए क्वेश्चंस में, आपको एफर्ट के लिए कह रहा है वो क्वेश्चन जो दिया हुआ है पेपर सेटर, आपको एफर्ट करने के लिए कह रहा है। एक बार में समझ नहीं आएगा, 2 बार में समझ नहीं आएगा, आपसे कह रहा है कि आप थोड़ा सा 4 बार पढ़े और उसके बाद में, सच बता रहा हूं कि आपका उसका सही आंसर मिल जाएगा और फिर सही आंसर का चयन कर दे। याद रखना, मेरा अपना फार्मूला है और भी लोगों का फार्मूला है कि मैं जब भी तुक्का मारता हूं वो कभी सही होता ही नहीं है। जैसे कि हम लोग कहते हैं, मैं हकीकत बता रहा हूं, 2 बार मैंने लॉटरी में पैसा लगाया, 2 बार लाइफ में 2 बार मैंने जो है लॉटरी पर लगाया। जब मैं बेरोजगार था, जब मैं स्टूडेंट था, तो मैंने 2 बार लॉटरी में लगाया, और जब दोनों बार मुझे कमाई नहीं हुआ, लॉटरी मेरा नहीं लगा, तब मैंने सोच लिया कि आज के बाद कभी भी मैं लॉटरी में पैसा नहीं लगाऊंगा, यानी कि जुआ नहीं खेलूंगा। तब से लेकर अब तक मैं कभी भी इस तरह के लॉटरी फाटरी वाला चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूं, और न ही मैं तुक्का पर विश्वास करता हूं। मैं एफर्ट पर भरोसा रखता हूं, मैं एफर्ट को बनाए रखने की कोशिश करता हूं। साथियों, यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्या ध्यान लेने वाली बात है कि आपके पास में 2 चीजें हैं, एक मेहनत और एक सक्सेस। मेहनत हम सब करते हैं, मेहनत हम पूरी तरह से 100% करते हैं, लेकिन मेहनत को सक्सेस में बदल पाते हैं? मेहनत को सक्सेस में बदलना है, यही तो हमारा एम है, यही तो हमारा लक्ष्य है। लेकिन हम करें तो करें क्या,
हम मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है, हम सफलता में उसको चेंज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप निगेटिव सोच रखते हैं, इसलिए वो मेहनत जो है आपका बेकार चला जाता है। हमें करना क्या चाहिए दोस्तों? आप क्या सोचते हैं कि जैसे एमए पास करने के लिए आपने पढ़ाई पढ़ा था, क्या उतने ही पढ़कर आप नेट जेआरएफ आईएएस आईपीएस बन जाएंगे? जो आपने एमए पास करने की तैयारी किया था या एमए पढ़ने में जो मेहनत किया था और जो आपने सफल हुआ है, क्या वही टेक्निक अपना रहे पढ़ने का? अरे भाई, एमए पास करना अलग होता है और कॉम्पिटेटिव पास करना अलग होता है, दोनों की मिजाज जो है अलग अलग है। इसीलिए, क्योंकि जब एमए पास करते हैं तो आपके पास में बहुत सारे बातें रहती है, वो तर्क रहता है। यहां पर तर्क चढ़ने वाला नहीं है, यहां पर तुक्का चढ़ने वाला काम नहीं है, यहां तो आपको परफेक्ट जानकारी है तो लिखिए, क्योंकि जब परफेक्ट तैयारी होगा तभी एक घंटे में 50 क्वेश्चन बना पाएंगे और 2 घंटे में 100 क्वेश्चन बनेगा। केवल आप तुक्का के बारे में सोचेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखिएगा, आप हमेशा जीवन में एक्स फैक्टर के बारे में सोचिए। यदि आपका एक्स फैक्टर 80 से अबव है तो ही एफर्ट जो है आप सफलता में तब्दील कर पाएंगे। यदि 20 से 25% आपका एक्स फैक्टर है तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। इसके पीछे कारण है कि आप सिलेबस, आप एग्जामिनेशन को आप कंप्लीट करते हैं, सिलेबस आप एग्जामिनेशन, यही आपके सबसे बुराई है, जबकि नीड ऑफ द एग्जामिनेशन की तैयारी आप नहीं करते। ये दूसरी प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं कि दिन रात मेहनत करके सिलेबस कंप्लीट करते हैं, जबकि आपको करना क्या चाहिए? नीड ऑफ एग्जामिनेशन को ध्यान देना चाहिए कि एग्जामिनेशन की आवश्यकता क्या है, सिलेबस की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम की सिलेबस महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्या है? नीड ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा की आवश्यकता, जरूरत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा? और जो नीट ऑफ एग्जामिनेशन को ध्यान रखता है, न कि सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन को, वही व्यक्ति अपनी मेहनत को कन्वर्ट कर पाता है सक्सेस में। ध्यान दीजिएगा, कई बातें जो है, कई बार इंट्यूशन हो जाते हैं, हम लोग इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, इंट्यूशन, जबकि सेल्फ को जो है वो महत्व नहीं देता है। जो व्यक्ति इंट्यूशन को महत्व देगा, याद रखिएगा, वो कभी भी मेहनत को सफलता में तब्दील नहीं कर पाएगा। क्या आप माइंडसेट किए हुए, माइंडसेट आपका माइंडसेट है क्या? आप माइंडसेट बनाकर परीक्षा हाल में जाते हैं? यदि माइंडसेट करके परीक्षा हाल में नहीं पहुंचते हैं तो समझ लीजिएगा, तुक्का के सिवाय कुछ नहीं बनेगा। केवल तुक्का। लोगों कहते हुए सुना होगा कि पता नहीं क्या होगा, कैसा प्रश्न आएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, चलो देखते हैं परीक्षा हाल में, बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो ठीक है। इस तरह की जो माइंड सेट है ना, इसमें आप मेहनत भी किए होंगे तो सफलता में तब्दील नहीं कर पाएंगे। साथियों, जो हम आपको बता रहे हैं, सिलेबस को फोकस दें, माइंड सेट हो जाइए, आपका माइंड सेट परफेक्ट रखिए, परफेक्ट। परीक्षा हॉल में जाए तो आप माइंड सेट बना के जाए कि मैं 100 क्वेश्चन में जानता हूं और मैं 100 क्वेश्चन को बना सकता हूं। दो प्रकार का स्ट्रेस होता है, एक जो है छोड़ देता है, एक जो है एफर्ट करता है। स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस वाला व्यक्ति, जिसके पास में स्ट्रेस 80-90-100% रहता है, वो छोड़ देता है, पढ़ाई छोड़ देता है, मेहनत करना ही छोड़ देता है, सफलता के बाद में सोचता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सफलता उनसे बहुत दूर है,
और दूसरा व्यक्ति जो होता है वो एफर्ट करता है, एफर्ट को महत्व देता है, थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट कर लेता है। वो स्ट्रेस तो है, उनके पास भी स्ट्रेस है, लेकिन वो स्ट्रेस से डरता नहीं है और उससे वो थोड़ा सा और ज्यादा एफर्ट कर देता है स्ट्रेस को खत्म करने के लिए। क्या रहता है, एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी के परफॉर्मेंस को जो है फॉलो मत कीजिए, किसी के परफॉर्मेंस को, उसके प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। प्रिंसिपल परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं है उसका, कि मतलब वो टॉपर बन गया और उसी को पालन करता हूं, उसी को फॉलो करता हूं। अरे भैया, उसका कैपेसिटी अलग होता है, आपका कैपेसिटी अलग है, उसका पढ़ने का तरीका अलग है, आपका पढ़ने का तरीका अलग है। केवल आज वो नहीं पढ़ रहा है, हो सकता है कि फर्स्ट क्लास से, पहली क्लास से वो पढ़ रहा है, या कई वर्षों से वो तैयारी कर रहा है, या उनके पास में अलग तरीका है पढ़ने का। क्या आप उसको उसके परफॉर्मेंस को आप फॉलो कर सकते हैं? नहीं, उसके सिद्धांत को आप पालन कीजिए, सिद्धांत को फॉलो कीजिए, सिद्धांत को अनुसरण कीजिए, तो आप अपनी मेहनत को सफलता में तब्दीली कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है परफॉर्मेंस, किसी के परफॉर्मेंस को नहीं करना है, बल्कि जो सिली मिस्टेक होता है ना हमारा, जो सिली मिस्टेक होता है, छोटे छोटे जो मिस्टेक होता है, जैसे कि उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन में क्या कह सकते हैं कि सेकंड है, उसको मिनट में बदलना, घंटा को मिनट में बदलना, घंटा को सेकंड में बदलना, किलोग्राम को ग्राम में बदलना, ग्राम को किलोग्राम में बदलना, उसको देखते ही हमको जो है सिर दर्द होने लगता है। ये सिली मिस्टेक होता है, ये सिली मिस्टेक को ध्यान नहीं देना है, उसको मजबूती रखना है कि ये कौन सा चीज़ है, कोई कठिन नहीं है। और कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चन जो है इतना बड़ा लंबा रहता है, आंसर बहुत छोटा रहता है, ऐसा लगता है कि इसके कितना पढ़े, कौन पढ़े, डाल दीजिए, टिक मार दीजिए, हो जाएगा, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। इस तरह से सिली मिस्टेक को आपको ध्यान नहीं रखना है। और इसी उद्देश्य के साथ में यदि आप एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे, आप अपने मेहनत को सफलता में तब्दीली करने के उद्देश्य से यदि परीक्षा में जाते हैं, तो आप अपनी मेहनत को तब्दीली कर लेंगे सक्सेस में। अन्यथा स्थिति में दोस्तों हर साल एग्जाम देंगे, हर साल फेल होंगे, और आपका मेहनत बेकार चला जाएगा और सफलता भी नहीं मिलेगा, मायूसी आ जाएगा, जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा, जीवन आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा एफर्ट कीजिए और आप जो है जो सिद्धांत हमने आपको बताया उसका पालन कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।